हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 8th पोलस्टार के सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हम पेपर नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व 2x-1 = 14 - x। हमें इसको x के लिए सॉल्व करना है, मींस कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसको रीअरेंज करेंगे, x वाली सभी टर्म्स एक तरफ कर लेंगे और विदाउट x वाली एक तरफ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x, ये यहाँ x माइनस का है तो इस साइड आके ये प्लस का x हो जाएगा, = 14। ये यहाँ माइनस का 1 है तो इधर आके ये प्लस का 1 हो जाएगा। 2 + 1 हमारे पास हो जाएगा 3x = 14 + 1 = 15। एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15। ये यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके 3 डिवाइड हो जाएगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, हमने एक डाइस फेंकी है, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। हमने एक डाइस को फेंका है और हमने एक ऐसा इवेंट बनाना है कि डाइस के ऊपर 5 से बड़ा नंबर ना आया हो। मीन्स कि 5 तक नंबर आ सकते हैं लेकिन 5 से बड़ा नंबर ना आए, ऐसा कौन सा इवेंट होगा वो हमें बताना है। तो इवेंट क्या हो जाएगा, हमारा 1 आ सकता है, 1 के अलावा हमारा 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। 5 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता, मीन्स कि 6 नहीं आएगा। डाइस के ऊपर 1 से लेके 6 तक के नंबर आते हैं होते हैं और उन्होंने पूछा है कि हमें एक ऐसा इवेंट लिखना है जिसमें नंबर जो है वो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 5, मीन्स कि 5 से बड़ा ना हो, 5 तक हो सकते थे। तो हमारे 1 से लेके 5 तक सारे नंबर जो हो जाएंगे वो हमारे पॉसिबल इवेंट में आ जाएंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, साइड ऑफ क्यूब इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। हमारे पास एक साइड क्यूब है जिसकी साइड हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। साइड इज इक्वल टू हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है हमारे पास साइड का क्यूब, साइड क्यूब, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो कि ए का क्यूब। अगर हमारी साइड जो है वो ए हो तो हम इसको ए का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो अब साइड का क्यूब करेंगे, साइड कितना है, साइड है हमारे पास 4 का क्यूब। क्यूब का मतलब होता है सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो अगर हम 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 = 16, 16 4 = 64, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में हमें बोल रहे हैं कि 2 persons कुड फिट अ न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 days, 1 ऑफ द पर्सन फॉल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। हमें बोला है कि कोई 2 बंदे मिलके किसी घर में विंडो लगाने का काम करते हैं, वो दोनों जने मिलके उस घर में 3 दिनों में जो है विंडो लगा सकते थे, लेकिन काम शुरू करने से पहले ही एक बंदा बीमार पड़ गया तो अब सिर्फ एक ही बंदा बचा जिसने काम करना था। पूछ रहे हैं कि अब हमें उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो हमारे पास पहले तो सबसे पहले हम इसका डाटा बनाते हैं। डाटे में हमारे पास 2 चीजें हैं, एक तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स हैं कि कितने लोग काम करेंगे, और दूसरी चीज है हमारे पास नंबर ऑफ डेज की कितने दिन लग रहे हैं। पहले उन्होंने बोला कि अगर 2 जने मिलके काम करते तो वर्कर कितने हो जाएंगे, 2, तो काम कितने दिनों में हो जाता, काम हो जाता 3 दिनों में। अब उन्होंने बोला कि एक बंदा बीमार पड़ गया तो अब काम करने वाले कितने बंदे बचे, पहले 2 थे उनमें से एक बीमार पड़ गया तो बचा कौन, सिर्फ एक ही बंदा बचा। अब पूछ रहे हैं कि कितना दिन, कितने दिनों में काम जो है वो पूरा हो जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन है कि इनवर्स का है। तो हमें पता है कि अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ती है तो वो डायरेक्ट का होता है, और अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम होती है तो वो इनवर्स का होता है। तो यहाँ पे देखिए, जितने ज्यादा काम करने वाले लोग होंगे उतना काम जल्दी हो जाएगा, और जितने कम लोग होंगे काम करने वाले उतना काम करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो रही है, तो ये हमारा जो है वो इनवर्स रिलेशन का क्वेश्चन होगा। और इनवर्स रिलेशन में जो है वो प्रोडक्ट हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। अब हमें प्रोडक्ट करना है, 2 × 3 शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 1 × x। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा,
यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो नंबर ऑफ डेज अब कितने लगेंगे, 6 दिनों में जो है वो काम अब पूरा होगा। ये तो था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट भी है। इसके सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा है कि अगर हमें उसी काम को एक दिन में पूरा करना है, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन वन डे। अगर हमें एक ही दिन में जो काम है वो पूरा करना है तो हमें कितने वर्कर जो है वो लगाने पड़ेंगे। तो फिर से एक टेबल बना लेते हैं हम। टेबल में फिर से हमारे पास दो ही चीजें गिवन है, एक तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, एक है हमारे पास नंबर ऑफ डेज। स्टार्टिंग में ही हमें बोला था कि अगर तो हमारे पास दो बंदे हैं तो वो 3 दिनों में काम करते हैं। अब हमें बोल रहे हैं कि अगर हमें काम एक ही दिन में पूरा करना है तो हमें कितने बंदे लगाने पड़ेंगे, कितने वर्कर्स लगाने पड़ेंगे। इस बार हमें डे बोला है कि एक ही दिन में काम हो जाना चाहिए, उसके लिए बताओ कि कितने वर्कर्स लगेंगे। तो अब फिर से इनवर्स रिलेशन का ही क्वेश्चन है, तो इसमें प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा। ये हो जाएगा 2 × 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू वन, तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू एक्स। तो इस बार हमें 6 वर्कर्स लगाने पड़ेंगे। अगर हम उस काम को एक दिन में पूरा करना चाहते हैं तो हमें 6 वर्कर्स उस काम पे लगाने होंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें फिर से जो है वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हम काफी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ कर सकते हैं, विदाउट एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ कर सकते हैं, वैसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन इसको करने का एक और बेस्ट मेथड ये भी है कि पहले हम सभी टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर लें, बाद में जो है वो हम उनको अलग अलग कर लेंगे। पहले हम अभी सभी टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो यहीं पे है, एक्स +7 ऐसी रहेगा, -8x -3 भी ऐसी रहेगा। ये इधर आके माइनस का 17/6 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का था, ये यहां माइनस का है, तो इधर आके ये प्लस का 5x/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो गया हमारे पास ये 0, क्योंकि इधर की सारी टर्म्स इधर आ गई, तो इधर हमारे पास सिर्फ 0 बचेगा। अब हमें यहाँ पे इस साइड एलसीएम ले लेना। एलसीएम हम लेंगे 3, 6 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6x आ जाएगा, प्लस 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 6 = 42, माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 8 = 16x आ जाएगा, माइनस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 17 आ जाएगा, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 = 15x = 0। तो ये 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही हो जाएगा। मीन्स ये 6 इधर आके 0 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा हमारे पास 6x + 42 − 16x − 17 + 15x। ये वाली सेम चीज हमने ऐसे ही लिख लिए। अब आप क्या करो, इन एक्स एक्स वाली टर्म्स को प्लस माइनस कर दो। पहले इनको एक साथ लिख लेता हूं ताकि आपको आसानी रहे प्लस माइनस करने में। कोई शिफ्ट नहीं कर रहा हूं इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे, मैं उधर नहीं लेके जा रहा, इसी बस इसी को अरेंज करके लिख रहा हूँ। एक्स वाली टर्म्स सभी एक साथ लिख रहा हूँ, इधर उधर नहीं किए इसलिए साइन भी चेंज नहीं होगा। प्लस का 42 ऐसे कहीं और माइनस का 17 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 0। अब ये हो गया 16 में से 6 माइनस करेंगे, माइनस का 10 आ जाएगा, −10 + 15 प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा। इन तीनों तीनों को सॉल्व करके हमारे पास आ गया 5x। फोर्टी टू में से 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 में से 7 माइनस करेंगे 5 बचेगा, 3 में से ये हो जाएगा 25 = 0। ये यहाँ प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का 25 हो जाएगा, इधर बचेगा 5x, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 5x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5। ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो हमारा कंस्ट्रक्शन का है। हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है लिफ्ट जिसके साइड्स हमें गिवन है। तो पहले क्वाड्रिलेटरल रफली ऐसे बना लेते हैं, कुछ भी शेप का क्वाड्रिलेटरल बना लो। इसको लिफ्ट का नाम दे दो LIFT। अब जो जो साइड्स हमें गिवन है वो साइड्स हमें मेंशन करनी है। हमें LI जो है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है, IF जो है वो हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, TL जो है वो हमें 2.5 सेंटीमीटर की गिवन है, LF L से F को मिलाएंगे, ये वाली LF ये हमें 4.5 सेंटीमीटर की गिवन है, और IT I से T मींस कि ये वाली जो है वो हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। मींस कि हमें दो डायगोनल गिवन है और 3 साइड्स गिवन है। इसको यूज करते हुए हमें जो है वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो ड्रॉ करना है। तो शुरू करते हैं कैसे। जब भी आपके पास डायगोनल कोई गिवन होते हैं तो हम सबसे पहले डायगोनल को बेस लाइन मान के एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बेस लाइन डायगोनल वाली। यहाँ पे हमारे पास दो डायगोनल है, एक 4 सेंटीमीटर का एक 4.5 सेंटीमीटर का है। तो हम अपनी मर्जी से कोई भी एक डायगोनल जो है वो चूज कर सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 4.5 सेंटीमीटर का ही चूज करना है या 4 सेंटीमीटर का ही चूज करना है। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे कोई भी आप बेस डायगोनल ले सकते हो। मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर वाला लूंगा क्योंकि वो आसानी से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बेस लाइन जो है वो 4 सेंटीमीटर की लगाऊंगा। 4 सेंटीमीटर की एक डायगोनल जो है वो बेस लाइन बना रहे हैं। ये होगी 4 सेंटीमीटर की बेस लाइन जो कि थी हमारे पास। ये क्या था, 4 सेंटीमीटर वाला था हमारा आई टी। ये आई टी जो डायगोनल 4 सेंटीमीटर का था वो हमारा बन गया। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें आई से एफ लाइन बनानी है। आई एफ जो है वो हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर की कंपास खोलनी है। 3 सेंटीमीटर की कंपास खोल लीजिए। क्योंकि हमारी जो आई एफ है वो 3 सेंटीमीटर की है इसलिए आई पॉइंट पे जो है वो कंपास को रखेंगे और 3 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देंगे। उसके बाद दूसरा हमें जो है वो टी पॉइंट से एफ का जो डिस्टेंस है वो हमें पता नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, अभी इसको यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट हमें जो है वो आई से एक और लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमारे पास है 4 सेंटीमीटर की आई एल जो है। आई एल हमें जो है वो 4 सेंटीमीटर की गिवन है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बनाया था आई एल, आई ये रहा, आई से एफ की तरफ हमने 3 सेंटीमीटर की आर्क ऑलरेडी लगा ली है। अब आई से एल की तरफ 4 सेंटीमीटर की आर्क चाहिए तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की कंपास खोलेंगे और आई पॉइंट पे कंपास को रख के आर्क लगाएंगे एक 4 सेंटीमीटर की। तो आई पॉइंट पे रख के नीचे की तरफ जो है वो 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। ऊपर इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ऊपर के लिए हम ऑलरेडी एक 3 सेंटीमीटर की लगा चुके हैं तो इसलिए अब हमने नीचे रख के लगाई है। उसके बाद आई से एल की तक की 4 सेंटीमीटर होगी। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास टी है जो हमने बेस लाइन ड्रॉ की हुई है उसका दूसरा पॉइंट टी है। तो अब हम टी से देखेंगे, टी से जो है वो एल तक का जो गैप है वो 2.5 सेंटीमीटर का है इसलिए हम 2.5 सेंटीमीटर की कंपास खोलेंगे। 2.5 सेंटीमीटर की कंपास खोल लो। सेंटीमीटर की कंपास खोल के टी पॉइंट पे रख के कंपास को एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क छोटी रह गई है तो इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं। तो ये हमारा जहां पे ये दोनों मिलेंगी ये हमारा बन जाएगा एल पॉइंट। ये हो गया हमारा एल पॉइंट। और नेक्स्ट अब हमें क्या गिवन है, अब हमें नेक्स्ट जो है वो एल से लेके एफ तक का जो डिस्टेंस है वो 4.5 सेंटीमीटर गिवन है और हमने एल पॉइंट देख लिया कि कहां पे एल पॉइंट यहां पे है। तब हम 4.5 सेंटीमीटर की कंपास खोलते हैं। 4.5 सेंटीमीटर की कंपास खोल के
एल पॉइंट जहां पे हमारा बना था, एल पॉइंट यहाँ पे बना था, इस पॉइंट से इस आर्क को कट करेंगे जो हमने 3 सेंटीमीटर की आई पॉइंट से लगाई थी वो वाली, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एफ पॉइंट, ये बन गया हमारा एफ पॉइंट। अब बस इनको आपस में मिला देंगे हम, तो ये हमारा बन गया क्वाड्रिलेटरल लेफ्ट। यहाँ पे टी पॉइंट था, ये 4 सेंटीमीटर की थी, ये 3 सेंटीमीटर की थी, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर की थी, और ये वाली जो है वो हमारे पास कितने सेंटीमीटर की थी, ये थी 2.5 सेंटीमीटर की, और बीच में जो है एक लाइन और गिवन थी एल एफ, जो हमने मिलाया नहीं है, एल और एफ पॉइंट को आपस में मिला लो, ये हमारे पास गिवन है 4.5 सेंटीमीटर की, ये हमारे पास बन गया लिफ्ट क्वाड्रिलेटरल जो कि हमें ड्रॉ करना था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा यूलर थ्योरम में से है, यूलर रूल के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि क्या एक ऐसा पॉलीहाइड्रन हो सकता है जिसके फेस 10 हो, एजेस जो है वो 20 हो, और वर्टेक्स जो है वो 15 है। हमें जो है वो रिलेशन पता है, रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, यूजिंग यूलर्स लो हमारे पास है एफ प्लस वी माइनस ई शुड बी इक्वल टू होना चाहिए 2 के। तो हमें यही प्रूफ करना है कि क्या अगर इन तीनों को सॉल्व करके 2 हमारा आंसर आ गया तो हम बोल देंगे कि वो हमारा ऐसा पॉलीहाइड्रन जो है वो पॉसिबल है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, एफ प्लस वी माइनस ई, एफ कितने हैं 10, ई वी कितने हैं, वी है हमारे पास 15, माइनस एजेस कितने हैं 20, इस ये हो जाएंगे हमारे पास 25 हो गया, 25 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 5 इज नॉट इक्वल टू 2, तो इसलिए ये जो है वो नॉट पॉसिबल होगा, ऐसा हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स 9×10^6 क्रिस्टल्स, हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर फाउंड इन 5 किलोग्राम। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का है। पहले 2 डाटा बनाते हैं। डाटा में हमारे पास जो है शुगर क्रिस्टल्स है और वेट गिवन है। उन्होंने बोला कि अगर 2 किलोग्राम शुगर है, 2 किलो शुगर के अंदर 9×10^6 जो है वो क्रिस्टल्स हैं। आगे हमें कह रहे हैं कि अगर 5 किलो शुगर हो तो उसमें कितने क्रिस्टल्स होंगे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा क्वेश्चन है वो डायरेक्ट का है कि इनवर्स का है। अब अगर हम ज्यादा शुगर खरीदेंगे, ज्यादा शुगर वेट में अमाउंट में खरीदेंगे, 5 किलो खरीद रहे हैं, पहले 2 खरीद रहे थे, तो ज्यादा शुगर खरीद रहे हैं तो उसमें शुगर के जो दाने होंगे वो भी ज्यादा होंगे। शुगर क्रिस्टल का मतलब क्या है, शुगर के दाने। 2 किलो में कम चीनी के दाने होंगे, 4 किलो लेंगे तो और ज्यादा दाने आएंगे, 5 किलो में और भी ज्यादा आएंगे। तो जैसे जैसे वेट बढ़ेगा तो वैसे वैसे नंबर ऑफ जो क्रिस्टल्स होंगे वो भी इंक्रीज होंगे। तो एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है। तो ये कौन सा रिलेशन होगा, ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो डायरेक्ट रिलेशन में जो हमारे पास जो रेशियोज होते हैं वो बराबर होते हैं, तो रेशियोज को बराबर रख लो, ये हो जाएगा 9×10^6 / 2 इज इक्वल टू होगा x/5। ये डिवाइड 5 यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाके, सॉरी यहाँ डिवाइड, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9×5×10^6 / 2 इज इक्वल टू x। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45×10^6 / 2। 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.5×10^6। ये क्रिस्टल्स आ जाएंगे हमारे पास शुगर के 5 किलो के अंदर। फिर इसके सेकंड पार्ट में पूछा है कि अगर 1.2 किलोग्राम हो तो कितना होगा, तो इस 5 की जगह पे हमें लिख लेना है 1.2, इस 5 की जगह पे भी हमारा 1.2 आ जाएगा। फिर यहाँ 5 की जगह पे हम 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप आसानी से ये कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9,
जो इसका 24 वाला क्वेश्चन है अर्थ का, वो भी जो है वो हमारा पोल और पोल की हाइट और शेडो का है, डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन का है। सिमिलर क्वेश्चन आप कर लोगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम ग्राफ वाला, हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं ग्राफ के ऊपर। तो हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पॉइंट्स है हमारे पास के पॉइंट है हमारा 2, 3, एल पॉइंट है हमारा 5, 3, एम पॉइंट है हमारा 5, 5 और एंड पॉइंट है हमारा 2, 5। ये पॉइंट्स है जो कि हमें ग्राफ पे ड्रॉ करने हैं। तो ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए आप तो ग्राफ पेपर पे करोगे, लेकिन मैं यहीं पे कर रहा हूँ। तो पहले एक्सिस बना लेते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये हमारी वाई एक्सिस होगी। हमें मैक्सिमम 5 नंबर तक चाहिए, तो एक्स एक्सिस पे 5 नंबर ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। सिमिलर वाई एक्सिस पे 5 नंबर ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। पहला पॉइंट कहाँ पे है? एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3। एक्स में 2 के सामने और वाई में 3 के सामने, मीन्स कि यहाँ कहीं पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। ये हो गया हमारा के पॉइंट। उसके बाद एल पॉइंट, एक्स में 5 के सामने और वाई में 3 के सामने, एक्स में 5 के सामने और वाई में 3 के सामने, यहाँ पे हमारा पॉइंट बन जाएगा एल पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स भी 5 है, एक्स में 5 के सामने, वाई में भी 5 के सामने, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ कहीं पे, यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। ये हो गया हमारा एम पॉइंट। उसके बाद एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 5, एक्स में 2 के सामने, वाई में 5 के सामने, तो पॉइंट पॉइंट हमारा आ गया यहाँ पे। ये हो गया हमारा एन पॉइंट। अब हमें बस सबको मिला देना है, तो ये हमारा बन गया ग्राफ के एल एम एन का। इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 9 का 24 वाला क्वेश्चन भी हमारा ग्राफ का है, वो भी हम बना के देख लेते हैं। हमें बोला क्या, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल ऑफ द वैल्यूज विथ टेबल स्केल ऑन द एक्सिस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार। हमारे पास एक कार है जिसके डिस्टेंस ट्रेवल्ड का जो हमारे पास डाटा है कि 6 बजे उसने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 7 बजे तक 80 किलोमीटर का, 8 बजे तक 120 का, 9 बजे तक जो है वो उसने 160 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया था। तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस 2 एक्सिस बनाएंगे, एक पे हमारे पास जो है वो टाइम गिवन है और दूसरी एक्सिस पे हमारे पास डिस्टेंस गिवन है। सॉरी, तो एक एक्सिस यहां पे, इस एक्सिस पे हम टाइम ले लेते हैं, इस एक्सिस पे हम अपना डिस्टेंस ले लेते हैं। तो डिस्टेंस हमारा 40, 80, 120 और 60 है, तो हम क्या करते हैं, हम 20, 20 के डिस्टेंस पे रख, हम 40, 40 के डिस्टेंस पे रख लेते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 40 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ पे 80 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ पे 120 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ पे 160 किलोमीटर हो गया। 40, 40 का गैप रख के हमने जो है वो टाइम डिस्टेंस ले लिया, और जो टाइम है वो हम 2, 2 का रख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 AM, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 12। तो हमें जो 6 बजे का है, 6 बजे उसने 40 का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 6 के सामने, 40 के सामने यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 7 बजे जो है वो उसने 80 का किया, 7 जो है वो 6 और 8 के बीच में होगा, यहाँ पे 80 के सामने, यहाँ पे हमारा जो है वो सेकंड पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 8 बजे जो है, मींस कि यहाँ पे 8 बजे 120, तो 120 के सामने, 8 के सामने, यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 160 9 बजे है, 9 बजे हमारा 10 और 8 के बीच में होगा, मींस कि यहाँ कहीं पे हमारा पॉइंट होगा। तो इन सबको मिला देंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के सेकेंड ऑप्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे, हमें एक डाटा गिवन है, उसका हमें पाई चार्ट बनाना है। अलग अलग लैंग्वेज है और उन लैंग्वेज को बोलने वाले अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है। हमें इस सभी डाटा को यूज करते हुए जो है वो एक पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एंगल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम हर लैंग्वेज के लिए जो है वो एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं एंगल
फॉर हिंदी। हिंदी के लिए एंगल कैसे निकलेगा, एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल निकालते हैं हम जितना टोटल एंगल होगा। टोटल एंगल कितना होता है हमारे पास, 360 डिग्री का एंगल होता है टोटल, पूरे बाइक पूरे सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो 360 का होता है, इसलिए टोटल एंगल 360 हो गया। उसको डिवाइड करेंगे जितने टोटल बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं 72, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने हिंदी बोलने वाले, हिंदी कितने बोलते हैं 40, टोटल एंगल को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जितने बच्चे हिंदी बोलते हैं उसके साथ। तो ये हमारा हो जाएगा 36 10, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 5, ये हो गया हमारा 5 4 20, ये हो गया 200 डिग्री का एंगल जो है वो हमारा सेंट्रल एंगल जो है उसके लिए, हिंदी के लिए बन जाएगा 200 के लिए। उसके बाद एंगल फॉर इंग्लिश निकाल लेते हैं। एंगल फॉर इंग्लिश कैसे निकलेगा, सेम वैसी टोटल एंगल डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय कितने बच्चे बोलते हैं, 12 बच्चे बोलते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो इंग्लिश के लिए जो एंगल हो गया वो 60 डिग्री हो गया। एंगल फॉर मराठी निकाल लेते हैं, सेम वैसी 360 टोटल डिवाइड बाय टोटल बच्चे जो कि 72 है मल्टीप्लाइड बाय 9 जो कि मराठी बोलते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो फिर से 5 ही आना है, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री। अब एंगल फॉर तमिल निकाल लेते हैं। तमिल के लिए फिर से सेम 360 टोटल एंगल डिवाइड बाय टोटल बच्चे मल्टीप्लाइड बाय तमिल कितना बोलते हैं, तमिल हमारे पास जो है वो 7 बच्चे बोलते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 डिग्री का एंगल हो गया। तमिल के बाद हमारे बंगाली के लिए आगे सेम वैसे 360 टोटल एंगल डिवाइड बाय टोटल बच्चे मल्टीप्लाइड बाय 4 जो कि बंगाली बोलते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो गया। तो ये सारे एंगल्स आ गए, अब हम आसानी से जो है वो पाई चार्ट बना सकते हैं। पाई चार्ट इधर बना लेते हैं इसका, सर्कल हो गया हमारा सबसे पहले तो एक, आप इसे जो है सबसे पहले 200 का मीन्स कि 180 से थोड़ा सा ज्यादा सपोज यहाँ पे सेंटर है, तो ये हम मान लेते हैं कि ये वाला एंगल हो गया हमारा 200 का जो कि रिप्रेजेंट, ये 200 का हो गया जो कि हिंदी के लिए है, ये हिंदी के लिए हो गया। उसके बाद हमारा 60 डिग्री का है, ये सपोज हमारा हो गया 60 डिग्री के लिए, ये 60 डिग्री का हो गया 60 डिग्री, ये है हमारा इंग्लिश के लिए। उसके बाद हमारा 45 है, ये हमारा 45 हो जाएगा। आपको मेजर नहीं करना है, बस ऐसे ही बनाने हैं, ये मराठी के लिए हो जाएगा। उसके बाद 35 का, ये हमारा हो गया 35 का, ये हो गया हमारा तमिल के लिए, और ये बचा हुआ हमारा 20 का हो गया जो कि हो गया हमारा बंगाली के लिए। ये पाई चार्ट बन गया हमारा। मेन काम तो हमारा जो है वो एंगल्स फाइंड आउट करना था। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, 24 वाला क्वेश्चन नंबर 10 का, वो हमारे पास है कि अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल्स वर आस्क टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग 3 सीजन्स, विंटर, रेनी एंड विंटर, रेनी एंड समर। जो है वो अलग अलग सीजन को 360 लोगों ने जो है वो टोटल वोट दिया, हमें बताना है कि विच सीजन गोट द मोस्ट, सबसे ज्यादा वोट किसको मिले। सबसे ज्यादा वोट जो है विंटर को मिले जो कि 150 है। फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर, हर सेक्टर के लिए हमें सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने होंगे। उसको हम कैसे करेंगे, टोटल एंगल जो है वो उसको डिवाइड कर देंगे हमारे टोटल जितने लोगों ने दिया है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी वोट्स उसको मिली है, मींस कि सबका यही वाला आ जाएगा, समर का 90 डिग्री आ जाएगा, रेनी का 120 आ जाएगा और विंटर का 150 आ जाएगा। सेम सेम ही आ जाएंगे सबके, और बाद में हम उसका पाई चार्ट ड्रॉ कर लेंगे, इजी क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में है, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगनल आर 45 एंड 30 डिग्री इन लेंथ, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वेयर इज 4
रुपीस। हमें बोला है कि एक कोई फर्श है जिसमें 3000 टाइल्स लगी हैं, और हर टाइल की जो शेप है वो रोम्बस जैसी है, और दोनों रोम्बस के जो है वो हमें दोनों डायगोनल्स गिवन है। हमें बताना है कि पूरे फर्श को पॉलिश करवाने में कितना खर्चा आएगा। अगर 1 मीटर पे पॉलिश करवाने का जो खर्चा है वो 4 रुपए आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें पूरे फर्श का एरिया निकालना पड़ेगा, और पूरे फर्श का एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक टाइल का एरिया निकालना होगा। तो पहले तो हम लिखेंगे, रोम्बस शेप में है हमारे पास टाइल, टाइल की शेप ऐसी है हमारे पास, और उसके हमें डायगोनल जो है वो गिवन है, दोनों डायगोनल्स गिवन है। एक डायगोनल जो है वो हमें 45 का गिवन है, और एक डायगोनल जो है वो हमें 30 का गिवन है। तो ये हमें डायगोनल्स गिवन है। तो पहले तो एरिया ऑफ टाइल निकालेंगे। एरिया ऑफ टाइल क्या होगा? एरिया ऑफ टाइल निकाल रहे हैं हम, एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस, और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस होता है हमारे पास हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, या फिर d1 इंटू d2, जहां पे d1 जो है, d1 और d2 जो है वो उसके डायगोनल्स होंगे। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का हाफ। तो हाफ इंटू डायगोनल्स हमारे पास एक 45 गिवन है, और एक हमें 30 गिवन है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 15। 45 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 45 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 5 5 25, 2 कैरी, 5 4 20, 22 हो गया यहाँ पे, ये हो गया 5 4 5 7 6, ये हो गया 675 मीटर स्क्वेयर। ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ टाइल। अब हमें एरिया ऑफ फर्श निकालना है। एरिया ऑफ फर्श क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ फ्लोर, हमें गिवन था कि फ्लोर में जो है वो टोटल 3000 टाइल्स लगी हैं, तो ये हो जाएगा 3000 टाइल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एक टाइल के एरिया के साथ। तो 675 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3 5 15, 1 21 22, 2 कैरी, ये हो गया हमारे पास 20 25 मीटर स्क्वेयर। ये हो गया हमारे पास, सॉरी, इसके बाद 3 जीरोज भी हैं, तो इसके पीछे 3 जीरोज लग गई। ये हमारा हो गया। यहाँ पे मेरे से एक प्रॉब्लम हुई है, हमें जो डायगोनल्स थे वो सेंटीमीटर में गिवन थे, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, और ये भी जो है सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, तो ये होगा हमारे पास 2025000 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और हमें जो कोस्ट है वो मीटर स्क्वेयर में गिवन है, तो इसको अब हम मीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर में जो है वो, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन जब हम स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं, तो हमें 10000 के साथ डिवाइड करना पड़ता है। तो हमारा हो जाएगा ये 20 25, पीछे 3 जीरोस, डिवाइड बाय 10000 मीटर स्क्वेयर। इसका रीजन ये है क्योंकि जो 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर होता है वो इक्वल टू होता है 1/10000 मीटर स्क्वेयर के बराबर। तो यहाँ पे 3 जीरोस 3 जीरोस के साथ कट जाएंगी, ये हो जाएगा हमारे पास 202.5 मीटर स्क्वेयर। ये हो गया हमारा एरिया। अब हमें कोस्ट निकालना है। कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग वो हमें दिया हुआ है 4 रुपए पर मीटर, तो इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 202.5 इंटू 4 रुपीज के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा 5 4 20, 2 कैरी, 5 4 2 8, 10, 1 कैरी, 1, ये हो जाएगा हमारे पास 810 रुपए जो है वो हमारा खर्चा आएगा जब हम इसको पॉलिश करवाएंगे पूरे फ्लोर को। इसका जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो है, हमारे पास एक क्यूबॉइड गिवन है और उसकी डायमेंशंस गिवन है। हमें पूछ रहे हैं कि उस क्यूब के अंदर, उस क्यूबॉइड के अंदर हम कितनी क्यूब्स को डाल सकते हैं,
और हर क्यूब की जो साइड है वो हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। एक बड़ा सारा डिब्बा है क्यूबॉइड, उसके अंदर हमें छोटे छोटे क्यूब्स डालने बताने कि कितने क्यूब्स जो है वो हम डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें दोनों का वॉल्यूम निकालना होगा, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड क्या गिवन है, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड वो हमें गिवन है 50, 40 एंड 30। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास हो जाएगा सबका मल्टीप्लाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है LBH, मीन्स कि सबका मल्टीप्लाई 50 × 40 × 30। ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 6 1 2 3 4, पीछे 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब हमें क्यूब का निकालना है, साइड ऑफ क्यूब हमें गिवन है, साइड ऑफ क्यूब वो हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर की। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम होता है हमारे पास ए का क्यूब, मतलब कि साइड की क्यूब, 6 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 216 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, ये भी क्यूब होगा क्योंकि ये वॉल्यूम है। अब हमें नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू होंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब के साथ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्यूबॉइड के अंदर क्यूब डाल रहे हैं, तो जितना क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा उसको और जो है वो हम छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए जो है वो हमने पूरे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को डिवाइड करेंगे छोटे क्यूब के साथ। तो ये हो जाएगा 6 0 0 0 0, 4 जीरो पीछे, डिवाइड बाय 216। तो बस इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे सैंपल पेपर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।